बार बार नारा दे के 330 से 240 में आ गए हैं। ईडीआई सीबीआई यूज करने के बाद भी तब भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और ये 50 से जो 99 में चले गए ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। राजनीति जो इस बारी हुई है शायद देश ने कभी देखी नहीं। जितनी माइग्रेशन हुई है यहाँ से वहाँ, दल बदल दो, हल्का बदल दो, पार्टी बदल दो, कुछ पता ही नहीं लग रहा। कल यहाँ पे बैठा तो आज वहाँ पे बैठा है। आज किसाना ने, नौजवाना ने, ते माइनॉरिटीज तिन्ना ने इन्हों रिजेक्ट किया है, जिदे करके इन्हों के नंबर कटे ने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये 300 पार का नारा दे के, 400 पार का नारा दे के 330 से 240 में आ गए हैं। ईडीआई सीबीआई यूज करने के बाद भी तब भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और ये 50 से जो 99 में चले गए ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। सो सर, मैं सर, मुझे ये इन राजनीति जो इस बारी हुई है शायद देश ने कभी देखी नहीं। जितनी माइग्रेशन हुई है यहाँ से वहाँ, दल बदल दो, हल्का बदल दो, पार्टी बदल दो, कुछ पता ही नहीं लग रहा। कल यहाँ पे बैठा तो आज वहाँ पे बैठा है। हमारे राज्य में सर, जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी मेन, अब वो दोनों ही इकट्ठे हो गए। तो अब ऑपोजिशन का, ये राहुल जी कल कह रहे थे कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे कि आप आम आदमी के भी आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ बोलते हैं, बाकी देश में कुछ और बोलते हैं। और सर, जहाँ तो इनकी बात है तो इनका मैं, इनके बारे में तो क्या कहूँ। सो मैं ज़्यादा अपना समय इन पर बर्बाद नहीं करना चाहूँगी। सर, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय कम होता है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने राज्य के मुद्दों पर आना चाहूँगी। आज मैं आपसे, आपके राही आग्रह करती हूँ राष्ट्रपति जी को, कि सरकार को बोलिए कि पंजाब एक किसानी सूबा है। इस किसान के उत्ते बहुत वड्डे वड्डे संकट ने, आज किसाना ने, नौजवाना ने, ते माइनॉरिटीज तिन्ना ने इन्हों रिजेक्ट किया है, जिदे करके इन्हों के नंबर कटे ने, क्योंकि इन्होंने 800 किसान शहीद कराते पंजाब की बरूह चे, ते उन्होंने चकिया यूपी के इलेक्शन तो पहले आ कह के कि थोड़ा MSP लीगल गारंटी की जाऊगी, तो थोड़ी आ मंगा मनिया जान गया, लेकिन ना तो उन्होंने मंगा पूरी कीतियाँ। तो जब वो किसान 2024 एक बार फिर दिल्ली आके धरना लाना चाहते सी, थानू हैरानी होगी, उन्होंने पंजाब के बॉर्डर से रोक के किस तरह हरियाणा की सरकार से पुलिस ने जिहो जी तशद्दत की, उन्होंने उत्ते अथरू गैस गोलियां दी बुछार करके किन्ने किसानों नू घायल करता, ट्रैक्टर उन्होंने पन ते, नौजवान मुंडा शुभदीप मेरे हल्के का उन्होंने शहीद कर दिता, ते साडा मुख्यमंत्री मुँह चे ताले ला के बैठा रहा। सो मैं थानू बेनती कर दियाँ कि किसानी इशूज़ नू इन्हां नू सॉर्ट आउट किया जाए, सरकार उन्हां नू वखवादी आतंकवादी तशद्दत करना बंद करे, ते जिहड़े वादे किए ने उन्हां वादियां नू पूरा करे। मैं एक होर भी बेनती करांगी कि पंजाब का अटारी वाघा बॉर्डर ते हुसैनी वाला बॉर्डर खोलिया जाए, ताकि साढ़े बॉर्डर तो ट्रेड हो सके, ताकि साड़ी किसानी जिहड़ी संकट च है, इंडस्ट्री जिहड़ी संकट च है, नौजवान जिहड़ा बेरोजगार है, इस बॉर्डर जे थोड़े गुजरात के बॉर्डर च सी रूट तो जे हो सकता है ट्रेड, तो फिर पंजाब दे लैंड राइड तो क्यों नहीं हो सकता। मेरी एक डिमांड है कि ए इंडस्ट्रियल रूट, ए ट्रेड रूट बॉर्डर तक खोलिया जा, ताकि साडा उतो ट्रेड हो सके। सर, दूजी गल, जिथे किसानी संकट च पंजाब च, नौजवान बहुत वड्डे संकट च, क्योंकि पंजाब च अज ड्रग एपीडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक कर रही है पंजाब का, तो इन्ना नशा पंजाब च वध गया है। इन्होंने कांग्रेस ने धार्मिक ग्रंथ की सौ खाधी सी कि 4 हफ्ते से नशे खत्म कर देंगे, आम आदमी पार्टी ने क्या 10 दिन से, लेकिन खत्म तक ही किया कि रोज़ नौजवान मर रहे ने, हूँ तो पुलिस के मुलाजम भी मरन लग गए ने, इन्ना ज़्यादा ड्रग्स है, तो इस ड्रग्स करके अद्धा पंजाब BSF के हवाले साढ़े मुख्यमंत्री ने करता, लेकिन हर रोज़ हर महीने कई सौ ड्रोन हर रात नशे ते गोलियां लेके, आम से एम्यूनेशन लेके, नशे लेके बॉर्डर तो पार कर देने, ते पंजाब से तबाही फैला रहे ने। इस सरकार नू भी पूछ दिया कि इनू रोकन वास्ते तुसी की कदम चक रहे हो।